सबसे पहले मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार परिवारजनों का स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से मिलना, रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं राधेश्याम शर्मा जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, और रणधीर सिंह जी जो कि इनसो के फाउंडर रहे, डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी के साथ, जिन्होंने वर्षों तक इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को खून पसीने से सींचा है, और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी हैं आज के दिन, और ज्ञानी साहब, और सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों से इसलिए मिलना हो रहा है, आने वाली 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना 22वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बीते हुए 21-22 वर्षों में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जहां एक जिम्मेवार छात्र संगठन की जिम्मेवारी को अदा करने का काम किया है, वहीं सामाजिक पहलुओं के ऐसे आयाम रचे हैं जो नई पीढ़ी के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उत्तर भारत का एक प्रभावशाली ऐसा संगठन है जिसमें लाखों लाखों विद्यार्थीगण हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य प्रदेशों से जुड़े हैं। ऐसे भी विद्यार्थी इससे जुड़े हैं जो देश के विभिन्न प्रदेशों से, जिनका मैंने नाम लिया, उनसे अलग-अलग आते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बिहार के छात्र हैं, तमिलनाडु के छात्र हैं, अन्य प्रदेशों के छात्र हैं जो इस संगठन के साथ जुड़े हैं। पिछले दिनों गुजरात के अंदर भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की शाखा की शुरुआत हुई, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वहाँ भी हज़ारों विद्यार्थियों ने इसका हिस्सा बन करके इसे अपनाया। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की सोशलिस्ट सेक्युलर सोच, गरीब घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के अच्छे अवसर कैसे मुहैया हों, इसके लिए इनसो एक क्रांति है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 2003 में इनसो की नींव रणधीर सिंह सरीखे के लोगों के साथ और लाखों विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में रखी थी। इनसो ने लगातार ऐसे आयाम रचे, सिर्फ छात्र राजनीति में नहीं, उनके विषयों को लेकर के ही नहीं, बल्कि आप जानते हो कि इनसो के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे बड़ा दान नेत्रदान, जिसको महादान कहते हैं, उसमें 10,800 नेत्रदान कर करके रोहतक की धरती पर इनसो ने आयाम रचा था। कभी विमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स लगा करके, सेव अ गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम चला करके, कभी पौधारोपण कर करके, कभी ब्लड डोनेट कर करके, अलग अलग, यहाँ तक कि एक दफ़े मुझे याद है जब मैं इनसो का प्रधान था तो एक साथ सबसे ज़्यादा छात्रों ने पूरा शरीर दान, मरणोपरांत शरीर दान का संकल्प लेकर के एम्स के डॉक्टरों की टीम के सामने एक रिकॉर्ड रचा था। इनसो प्रभावी तौर पर छात्र राजनीति के अंदर भी उन सभी पहलुओं को उठाती आई है, क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी तक, बाउंड कैंपस, वन कैंपस, और छात्राओं के हक और हुकूक कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कैसे मजबूत किए जाएं, उस पर सदैव काम करती आई है। हमें खुशी होती है बताते हुए कि छात्र संघ के अंदर भी पंजाब विश्वविद्यालय, जो हरियाणा से सीधे तौर पर संबंध रखता है, उसका अगर पिछले 20 सालों का इतिहास उठा करके देखें तो उसमें दर्जन भर बार
यानी 12-13 बार ऐसा हुआ है कि हमारा संगठन चुनाव जीता है। और पिछले 2 वर्षों से मुझे बताते हुए और भी ज़्यादा खुशी है कि चंडीगढ़ के अंदर जिस मार्जिन से हम चुनाव जीते हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रदर्शन रहा, राजस्थान के अंदर कई कॉलेजों में चुनाव जीते, और वहाँ की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर जो है उसके अंदर भी हम चुनाव जीते। अब उसका उस संगठन रूपी जो पौधा लगाया था, वट वृक्ष बन चुका है, उसका 22वां स्थापना दिवस आया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो नींव रखी थी, सैकड़ों हजारों लाखों विद्यार्थियों ने उसे सींचकर अपने खून पसीने से आज बड़ा बनाया। मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि इस बार उसका स्थापना दिवस, इंसो का स्थापना दिवस हम सिरसा में मनाने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर आने वाली 5 तारीख यानी सोमवार के दिन हजारों हजारों छात्र प्रदेश भर के यहाँ पर हिस्सा लेंगे। बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होगा, एक पर्व फेस्टिवल त्यौहार की तरह हम उसे मनाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के युवाओं के दिलों की धड़कन भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, डॉक्टर साहब संबोधित करेंगे, प्रदेशाध्यक्ष हमारे ब्रज शर्मा जी संबोधित करेंगे, और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण छात्रों को दिशा दिखाएंगे। हमारा क्षेत्र नशे की गर्त से जूझ रहा है, नशे के लिए आज ऐसी पीड़ा है लोगों के मन में, और इसके खिलाफ वार करने, इसके खिलाफ एक जंग लड़ने की लोगों के मन में एक जूझ है। इस बार हमने ये फैसला लिया है कि नशे के खिलाफ अभियान को इस स्थापना दिवस से जोड़ते हुए हम बड़ा ऐलान 5 अगस्त को वहाँ से करेंगे, जिससे कि बॉर्डर से सीमावर्ती लगते इन तीनों, जो ये हमारे दोनों प्रांतों से लगते जो हमारा इलाका है, उसके अंदर एक नई लड़ाई का आगाज़ हो। जैसे सामाजिक पहलुओं पर जीत हासिल इनसो ने सदैव करी है, समाज की इस क्रूरता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए इनसो और उसके विद्यार्थी अपनी जिम्मेवारी को अदा करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। 5 तारीख के लिए मैं आपको, आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन जन को और विशेष तौर पर छात्र छात्राओं को इन्विटेशन देता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, और आप सबसे ही उम्मीद करता हूँ कि उस कार्यक्रम को आप सफल बनाएंगे।